आप सबका स्वागत है। आज हम कर रहे हैं 8 मार्च के ईश्वरवरदान की रिकॉर्डिंग। आप सबको होली की शुभकामनाएं। और परमपिता परमात्मा आज होली के ऊपर ही कह रहे हैं इस वरदान में, बहुत ही सुंदर वरदान, जिसमें कि हमें वो सिखा रहे हैं कि कैसे पवित्रता और कैसे ही सारे जितने भी संबंध हैं हमारे, उनको हमें आत्मिक संबंध में अगर हम पवित्रता के द्वारा चेंज करें तो फिर हमारे जीवन में खुशी आ जाएगी और हम होली बनना शुरू हो जाएंगे। तो देखें आज के परमात्मा के मुख्य वरदान में होली के महत्व पर परमात्मा कहते क्या है। पवित्रता की स्टेज द्वारा अविनाशी ईश्वरीय मस्ती का अनुभव करने वाले होली हंस भवा। अविनाशी ईश्वरीय मस्ती का अनुभव करने वाले होली हंस भवा। जब तक हम होली नहीं होंगे, पवित्र नहीं होंगे अंदर से, अगर हमारे अंदर खोट होगा तो हमें कभी भी खुशी महसूस नहीं होगी, हमारे अंदर अड़चन महसूस होगी। होली पर सभी बड़े छोटे के भान को भूल आपस में एक समान समझ मस्ती में खेलते हैं, है ना। होली जब करते हैं, खेलते हैं, तो आप क्या करते हो, रंग लगा देते हो। बॉस को भी रंग लगा देते हो, जूनियर को भी रंग लगाते हो, भाई बहन को भी रंग लगाते हो, माता पिता को भी रंग लगाते हो, रिश्तेदार को भी रंग लगाते हो, एज को नहीं देखते हो, बस रंग लगा देते हो बिना पूछे। तो ये क्या हुआ, ये हो गया आत्म अभिमान, ना कि देह अभिमान। एक दिन के लिए सिर्फ हम भूल जाते हैं कि हम आपस में क्या संबंध में, जो कि होना चाहिए हर दिन के लिए एक्चुअली, ताकि संबंध भी अच्छे रहे और हमारा आपस में संबंध जब मीठा हो जाएगा तो हर काम बहुत सहज हो जाता है। परमात्मा से कहते हैं समान समझ मस्ती में खेलते हैं, दुश्मनी के संस्कार भूल मंगल मिलन मनाते हैं। भूल जाते हैं कि क्या झगड़ा हुआ था, क्या प्रॉब्लम हुई थी, क्या गिले शिकवे थे, सब कुछ भूल जाते हैं उस समय। लेकिन हम एक दिन के लिए करते हैं सिर्फ वो, क्यों ना हम इसको हर दिन की एक हैबिट बनाते हैं। ये रस्म भी अभी की है, क्योंकि कलयुग के अंत के समय में हमें क्या करना है, सोल कॉन्शियस बन जाना है और रिश्ते विश्ते जितने भी है, सारे हमने जो बनाए हुए उपाधियां बनाई, उनको सब कुछ भूल जाना है, आत्मा समझ करके उस रोल को अदा करना है। आप बच्चे जब होली अर्थात पवित्रता की स्टेज पर ठहरते हो, बाप के संग के रंग में रंगे हुए होते हो। परमात्मा का संग का रंग क्या है, परमात्मा में पवित्रता की गोल्डन प्रकाश देते होते हैं, जो कि मैं आत्मा ले रही हूँ गोल्डन प्रकाश परमात्मा के नूर से, और मेरे अंदर वो प्रकाश आ रहा है और सारा का सारा प्रकाश सारे शरीर में फैलता जा रहा है। होते हो तब ईश्वरीय मस्ती में देह का भान व भिन्न भिन्न संबंध का भान। भिन्न भिन्न संबंध क्या हो गया, कोई बॉस हो गया, कोई छोटा हो गया, कोई सीनियर हो गया, कोई जूनियर हो गया, कोई गुरु हो गए, कोई चेले हो गए, ये सारी चीजों का भान भूल जाना, छोटे बड़े का भान विस्मृत हो, भूल जाना, स्मृति में ना रहे, हो एक ही आत्मा स्वरूप का भान रहता है। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई माता नहीं, कोई पिता नहीं, कोई बच्चा नहीं, कुछ नहीं, हर कोई आत्मा है। रोल को भूल, सोल को याद किया। आज हम क्या है, रोल कॉन्शियस होते हैं, मैं बॉस हूं, मेरी बात माननी चाहिए, मैं बड़ा हूं घर का, मेरी बात माननी चाहिए, मेरे अनुसार चलना चाहिए, और यहीं पे सार का सारा घर के अंदर कलह क्लेश आता है या उस ऑर्गेनाइजेशन में कलह क्लेश आता है। जबकि परमात्मा कहते हैं सोल समझ करके वो कार्य करो। तो नम्रता से करोगे, मिठास से करोगे, पवित्रता से करोगे, सही एटीट्यूड से करोगे, वृत्ति सही रहेगी। नहीं तो फिर क्या होगा, देह अभिमान की वृत्ति से क्या होगा, सब कुछ बिगड़ जाता है, संबंध बिगड़ जाते हैं, लोगों को ऊंच नीच महसूस होती है और ऊंच नीच की बातों में ही सब कुछ संबंध बिगड़ते हैं और काम भी बिगड़ता है। तो क्यों ना हम एक ही तीर से, एक ही ब्रह्मास्त्र से, आत्मा का ब्रह्मास्त्र चला करके हम हर चीज को उस तरीके से ठीक करते हैं, अपने संबंधों में भी और अपने कार्य में भी। यही होली हंस स्थिति है, इसी का यादगार हर वर्ष होली उत्सव के रूप में मनाते हैं। एक दिन मनाते हैं, लेकिन होना चाहिए क्या, पूरे साल भर का ये यादगार है, जो कि आप भी अपने जीवन में ग्रहण कर सकते हो ब्रह्म कुमारी में आकर सीख करके। ओम शांति के साथ।